अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मैक्रोनी। ये मैक्रोनी बनाने में क्या क्या लगेगा हमें ये देख लीजिए। दो टमाटे है, इसे मैं बारीक काट ली हूँ धोके, और दो हरी मिर्च है। मैक्रोनी मैंने 3 कटोरी लिया हुआ है, इससे 3 कटोरी, और नमक टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 3 मैगी लगेंगे हमें, मैगी मसाला। चलिए हम गैस पे कुकर चढ़ाते हैं। ये मैंने गैस पे कुकर चढ़ाया है, गर्म हो चुका है हमारा कुकर। हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, ज़्यादा नहीं, 1.5 चम्मच बहुत हो गया। हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैं ये डाल दूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून। अब हम टमाटर डाल देंगे इसमें। ये हमने टमाटर डाल दिए, अब हम डालेंगे हरी मिर्च। अब हम इसे गलने के लिए छोड़ेंगे 1-2 मिनट के लिए, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसे मैक्रोनी डालेंगे। तब तक हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, ये ऑलमोस्ट हमारे टमाटर गल चुके हैं। ठीक, अब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, अपने घर पे ज़रूर ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करना। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल दूंगी। अब हम मैगी मसाला डाल देंगे, ये हमारा मैगी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इंस्टेंट भी बन जाती है हमारी रेसिपी, इसे हम कभी भी बना के खा सकते हैं। 2 सीटी में हमारा मैक्रोनी रेडी हो जाता है। अभी मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ 2 सीटी के लिए। मैंने 2 सीटी के लिए ढक्कन लगा दिया है, 2 सीटी के बाद हम देखते हैं कितना रेडी होता है हमारा। ये हमारे कुकर ने 2 सीटी दे दिया है, अब हम और निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे मैक्रोनी रेडी है, इंस्टेंट मैक्रोनी। इसमें हमने हरा धनिया काटा था बारीक, वो डाल लिया है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वैसे तो इसमें मैगी मसाला डाले हैं हम लोग, इसमें नमक तो ऑलरेडी रहता है, फिर भी टेस्ट चेक करके हम और नमक ऐड कर लेंगे। मैं 1/2 टीस्पून से भी कम ऐड कर रही हूँ नमक। ये हमारा इंस्टेंट मैक्रोनी रेडी है, चलिए हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैगी बहुत टेस्टी बनती है, अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इंस्टेंट भी है और बहुत टेस्टी होता है मैक्रोनी, आप बनाने के बाद पता चलेगा। एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट ट्राई करने के प्लीज़ कंजूसी ना कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखना। चलिए अल्लाह हाफिज़।